इसका जो टैग है मैं आपको टैग दिखाऊंगा, 23.5 किलो HLDB में रिकॉर्ड किया इसने। आज भी इसके 2.5 लाख रुपए। और कितने रुपए की लेके आए? 1,500 की। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सरकारी नौकरी रही नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में श्योरिटी नहीं है, और बिजनेस का तो आपको पता ही है कि ऑनलाइन ने बिजनेस को खत्म कर दिया है। अब किसान का बेटा करे तो करे क्या, आप इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किसान का बेटा अगर उचित मैनेजमेंट के साथ अच्छे तरीके से पशुपालन का कार्य करे तो लाखों रुपए महीने में कमा सकता है। मैं आपको महीने की बता रहा हूं, लाखों रुपए महीने में कमा सकता है किसान का बेटा। आज मैं आपको ऐसे ही किसान से मिलवाने जा रहा हूं जिससे आप प्रेरित होकर पशुपालन का कार्य करेंगे और पशुपालन का कार्य करके आप लाखों रुपए कमाएंगे। तो श्रीमान, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम संदीप चहल, ठीक है, और विलेज मेरा मदनेड़ी है, ठीक है, और मेरी क्वालिफिकेशन MA MPhil PhD है, ठीक है, और ये परिवार के जेनेटिक हैं और परिवार में पशु रखते थे, लेकिन जब माता पिताजी हेडमास्टर थे। आपने गौर किया, इनके माता पिता हेडमास्टर हैं और ये खुद PhD हैं। PhD करने के बाद एक आम आदमी सोचता है कि उसने बहुत कुछ हासिल कर लिया, उसके अंदर इतना एटीट्यूड आ जाता है वो पशुओं की तरफ नजर भी नहीं करता। और इन्होंने क्या किया, अपने घर पे एक पशु लेके आए। तो शुरुआत में कौन सा पशु लेके आए और कितने पैसे का लेके आए, डिटेल से बताएं। मैं शुरुआत में, मेरे को ज्ञान नहीं था और मैं ये पशु लेके आया। कितने पैसे का लेके आए? मैं 92,000 रुपए का लेके आया। कितना दूध था उस टाइम? इसका दूध था 10-11 किलो। और जब आपने इसको अच्छी से केयर की, अच्छे मैनेजमेंट के साथ चले, तो कितना दूध हो गया? 1 महीने बाद यूं चलता रहा। फिर मैंने यूं देखा कि इसको खिलाना क्या है, यूट्यूब पे मैं वीडियो देखता रहा, ठीक है, मेरे को एक वीडियो मिली, मैंने वो वीडियो देखी, ठीक है। उसके बाद मैं पशु रतन फाकी खिलाई, ठीक है, और फाकी खिलाने के बाद इसका दूध थोड़ा ग्रोथ हुई। कितना ग्रोथ हुआ? 3-4 किलो लगभग, 14 के करीब हो गया होगा, ठीक है, 11 से 14, सही है। फिर मेरा और उत्साह बढ़ा, मैं क्या करूं, मैं और डिटेल में मैं सारी वीडियो देखता रहा, ठीक है। सारी वीडियो देखी तो इन्होंने बताया भाई, इसको ना देसी भाषा में बताया कि इसको हमने मनखा भी खिलानी है, दाख भी खिलानी है, ये भी खिलाना है, वो भी, तो मैंने वो भी खिलाई। तो आपने इसको जड़ी बूटियां खिलानी शुरू कर। हाँ, लास्ट में कितना दूध हो गया इसको? ये मिल्क रिकॉर्ड निवास में लग के 23.5 किलो। इसका जो टैग है मैं आपको टैग दिखाऊंगा, ठीक है, 23.5 किलो HLDB में रिकॉर्ड किया इसने। इसने रिकॉर्ड है आपके पास? हाँ। साथियों, सबसे बड़ी खुशी तो मेरे को ये है कि एक PhD होल्डर एक अनपढ़ की वीडियो देख के और पशुओं के साथ जुड़ के, पशु जिसका 10 किलो दूध था उसका 24 किलो दूध कर दिया। ये 24 किलो दूध विक्की पंसारी के प्रोडक्ट ने नहीं किया, ये 24 किलो दूध किया जड़ी बूटियों ने। कुदरत ने हमें ऐसी ऐसी जड़ी बूटी दी है, अगर हम उन जड़ी बूटियों का उल्लेख करें, उन जड़ी बूटियों को अच्छे से समझे, उनका प्रयोग अगर उचित तरीके से करें, तो सिर्फ भाई साहब ही नहीं, आप भी, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो भी अपने पशुओं से 10 किलो से 24 किलो दूध कर सकते हैं। भाई साहब, ये बात आपकी जची नहीं, मतलब कि मेरे को भी नहीं जची, और जो भी लोग देख रहे हैं ना वो सब कहेंगे कि आप भी झूठे हैं और मैं भी झूठा हूँ। कोई प्रमाण दीजिए कि भाई रियल में इसको 10 किलो दूध था और आपने वो जड़ी बूटियां जो भी खिलाई, वो जड़ी बूटियां भी हम बताएंगे, लेकिन कोई ऐसा प्रमाण दीजिए ताकि हमें थोड़ा सा, ये पीछे जो खड़े हैं ना ये सारे प्रमाण है, ये मेरे जो भाई हैं डानीपाल से राजेंद्र गुर्जर है, ठीक है, और ये भाई अमित सैनी है, एक भाई कोई भी आ जाइए, एक भाई कोई भी सैनी आयो। तो जब ये पशु भाई साहब लेके आए थे आप यहीं थे, कितना दूध था जो भाई साहब बता रहे? 10-11 किलो के करीब। और लास्ट में इतना दूध हुआ जब का जो लास्ट में निवास में साथ में जाते थे, पक्की बात, बिल्कुल भाई साहब, ये 100% सत्य है कि इस बैस का HLDB में रिकॉर्ड है। ये रिकॉर्ड कैसे बना, मैंने आप लोगों को शुरू से बताया है कि इंसान हो या पशु हो, अगर हमारा पेट लीवर ठीक है तो हम स्वस्थ हैं। ये पशु दूध का था, पशु दो तरह के होते हैं, जिन्स के ऊपर भी आधारित होता है और कुछ जड़ी बूटियों के ऊपर भी आधारित होता है। अगर अच्छे जिन्स के पशु हो और उनका दूध नहीं चल रहा हो और सही तरीके से जड़ी बूटियां खिला दी जाए तो दूध की ग्रोथ होनी शुरू हो जाती, वही इस पशु के साथ हुआ। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इसका लीवर ठीक किया। लीवर कैसे ठीक किया? मैंने लीवर इसको ना जो फाकी दी ना, ठीक है, उससे इसमें ना जो अच्छा, तो पहले तो गोबर इसने थोड़ा सा गुड़ दे दिया। आप वो फाकी लेके आए, कौन सी फाकी बता? फाकी वो अंदर जो किलो वाली फाकी, ठीक है, बड़ी बड़ी वाली फाकी, ठीक है। हाँ, पहले मैंने वो बड़े वाली फाकी दी, ठीक है, और उसमें क्या हुआ, इसके गोबर अच्छा आने लगा, दूध भी बढ़ाएगी, उत्साह बढ़िया। मैंने सोचा मैं भाई और भी होगा, ठीक है। फिर मैंने और ज्यादा वीडियो देखी, ठीक है,
फिर इसने ना फिर थोड़ा सा खाना कम कर दिया, फिर मैंने इसको पीआरएफ गोल्ड डाला। ठीक है, पीआरएफ गोल्ड डालने के बाद फिर और ज्यादा खाने लगे। ठीक है, और खाने के बाद धीरे धीरे जैसे जैसे इसने खाना बढ़ाया इसका दूध भी बढ़ना शुरू हो गया। हाँ। और खाना जब आपने इसको ज्यादा दिया तो ऐसा तो नहीं था कि लूज मोशन हो गए, गोबर पतला आ गया या खाना डाइजेस्ट ही नहीं हुआ? सबसे बड़ी बात तो यही हुई ना, क्या कि मैं जब जाता था मैं किसी पूछता था भाई यूं यूं है, मैं इसमें दूध बढ़ा रही है, ये हो गया, मैं तो एक अनट्रेंड था, मेरे पास तो कैदा भी नहीं था इस लाइन का। ठीक है, और जब मैंने वो कैदा पकड़ा पूछा तो उन्होंने बताया भाई गुड़ दे दिया करते, उन गुड़ से ना ये पतला गोबर कर देती थी। ठीक है, लेकिन जो नफाकी थी ना उससे इसका यूं का यूं नेचुरल गोबर, और भूख बढ़ के इसका डेली दूध बढ़िया करता। और जब मैंने भी उत्साह हो जाता भाई के करूं के करूं के करूं। साथियों यहाँ पे काफी लोग हैं और भाई साहब ने प्रमाण दिया है कि 10 किलो से 24 किलो दूध सिर्फ लीवर ठीक अगर आपका है तो, पशु हो या इंसान हो, आयुर्वेद एक बात कहता है वात पीत और कफ, इंसान के लिए, पशु के लिए वात पीत कफ और सर्द और तर, ये पांच बातें अगर हम नोट करेंगे ना तो पशु को थनेला रोग होगा, ना पशु आपका फूल दिखाएगा, पशु का दूध का उत्पादन बढ़ेगा, पशु के शरीर पे आप एक बार आप इसकी बॉडी देखिए, आप इसकी हाइट देखिए, बॉडी देखिए कितना जबरदस्त। अब ये ड्राई में एक बार देखो पीछे, और इस समय ये ड्राई में है, और ड्राई में भी हम इसकी आपको लेउटी भी जरूर दिखाएंगे ताकि आप लोगों को पता लगे, ये सारी चीजें आपके साथ भी हो सकती है। अब इसकी एक मिनट कोई नहीं, बाद में बता देंगे, कोई बात नहीं, एक मिनट पकड़िए। अब आप इसकी क्या कीमत, कोई इसका कस्टमर ऐसा आया कि इसको बेचने के आपका मन किया हो या कोई कस्टमर आ गया हो? लाइन में खड़े हैं भाई, मन ने दे दे जो मेरे मित्र हैं। आज भी इसके 2-2.5 लाख रुपए। और कितने रुपए की लेके आए थे? 92,000 की, 92,000 रुपए, यानी 1 लाख रुपए से कम लेके आए थे, और इस समय 2.5 लाख रुपए मिल रहे हैं, यानी कि एक पशु में 1.5 लाख रुपए मिल रहे हैं, वो तो बोनस है। और इसका जो दूध, इसने ना 24 किलो दूध निकाल के दूध को पिया या सेल किया कुछ भी किया वो देखिए। तो साथियों मैं आपको फिर बोलना चाहूंगा कि प्राइवेट सेक्टर में ना घुसिए, 15,000 की नौकरी के लिए अपने गांव को छोड़ के ना दिए, अपने घर पे एक अच्छी नस्ल का पशु ले आइए और उस पशु के बारे में थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा कीजिए, किसको हम क्या खिलाएं, कैसे खिलाएं, कब खिलाएं, कौन से मौसम में कौन सी जड़ी बूटी खिलाएं। अगर आप ये जड़ी बूटियां उचित तरीके से खिलाते हैं तो आपके पशु का दूध का उत्पादन बढ़ेगा। भाई साहब के पास काफी जड़ी बूटियां हैं, ये मेरी वीडियो देख के जड़ी बूटी बाजार से ले आते हैं, वो जड़ी बूटियां खिलाते हैं। आप लोगों को भी बोलना चाहूंगा, अगर आप चाहते हैं कि आपके पशु का लीवर ठीक रहे, देखिए मैं आपको फिर बोलना चाहूंगा, अगर आप चाहते हैं कि आपके पशु का दूध का बढ़े, दूध पीक पे पहुंचे, तो उसको खाना खिलाना पड़ेगा, और खाना अगर आपने ज्यादा दिया, लीवर कमजोर हुआ, तो फिर उसको डाइजेस्ट नहीं होगा, तो वो पशु और कमजोर हो जाएगा। आप मेरे द्वारा तैयार किया गया पीआरएफ गोल्ड, मैं आपको फिर बोलना चाहूंगा, जरूरी नहीं है कि आप पीआरएफ गोल्ड खिलाएं, आप कोई भी अच्छी जड़ी बूटी जो पाचन क्रिया बढ़ाए, जो पेट के अंदर जठारनी है उसको बढ़ाए, पेट के अंदर जो अग्नि है उसको बढ़ाए, वो जड़ी बूटियां खिलाना शुरू कर दीजिए अपने पशु को, आपके पशु का दूध का उत्पादन बढ़ जाएगा। मैं आपको बोलना चाहूंगा एक बार, आप भाई साहब के कहने पे या मेरे कहने पे, मेरे द्वारा तैयार किया गया पीआरएफ गोल्ड, और मैं एक विशेष पाउडर तैयार करता हूँ, फीड पावर के नाम से आता है, उसकी क्या विशेषता है मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। फीड पावर एक ऐसा पाउडर है, आप बताओ। पहले तो मैं एक थोड़ा सा भाई साहब के बारे में बता दूं कि ये मेरे आदर्श हैं, और इन नो जो कहा कि मैं अनपढ़, बहुत धन्यवाद, इन्होंने तो वो चीजें की है जो पशुपालकों के लिए, अगर थोड़ा सा भी अनुसरण कर लेना, और कीमत भी कुछ भी नहीं है। देखो आज मेरे पास इनकी वजह से कैसे पशु और कैसे तैयार हैं। ठीक है, फीड पावर जो हमने खिलाया है इस भैंस की, मेरे की, पहले महीने भी 80 फेट आती है, और चौथे महीने में इसकी 100 फेट आऊ है, 85 रुपए किलो, 100 फेट का 85 रुपए, बिल्कुल जाओ है, बिल्कुल जाओ। और इसका दूध नॉर्मली दूध चौथे महीने में भी 17-18 किलो। अगर आप काफ तैयार करना चाहें तो काफ ग्रोथ खिलाएं, अगर आप चाहते हैं कि आपके पशु का आर्डर का विकास अच्छा हो, तो आप मेरे द्वारा तैयार किया गया अडर पाउडर, जिसके अंदर 5 जड़ी बूटियां, आपको पता है कौन सी जड़ी बूटी, चितावर, पशुओं के लिए वरदान है चितावर, चितावर अश्वगंधा, चितावर अश्वगंधा, 100 फावला और मुलेठी द्वारा तैयार किया गया, आप अडर पाउडर खिलाएं, आपके पशु का इतना जबरदस्त शानदार अडर आएगा। तो आपके पास बड़े बड़े ब्रीडर आते होंगे? हाँ बिल्कुल, तो लगता है कि पशुओं में आगे बढ़ना चाहिए। मैंने तो शर्म आवा कि मैं तो छोटा हाथ मेरी आवा बात हो रहा है। किसान को क्या कहेंगे कि पशुपालन का कार्य करें या किसी की नर्क ना, पशुपालन का ही शोर कार्य करें, या भैंस मेरी 1,30,000 रुपया का सारा खर्चा काट की एक और नजर दी है,
आपके समझ में अगर आ गया तो बहुत अच्छा रहेंगे। पशुपालन का कार्य कीजिए, अच्छे उचित तरीके से कीजिए, किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो हम आपके साथ हैं। मेरा नंबर आप लोगों के स्क्रीन पे आ रहा है, कोई भी समस्या हो आप एक बार इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको पूरी डिटेल मिलेगी कि पशुपालन में किस तरह से, कौन सी बीमारी में, किस तरह से कौन सी जड़ी बूटी का उपयोग करें। अगर आप जड़ी बूटी खरीदने में या उनको कूटने पीसने में असमर्थ है तो आप मेरा प्रोडक्ट यूज कीजिए, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आपको मजा आ जाएगा।